अमेठी द ग्रोइंग बड्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित ग्रामीण प्रतिभा उन्मुखीकरण कार्यक्रम से गुलजार होगा स्पोर्ट्स ग्राउंड, खेलों में आएगी जान। जनपद अमेठी के ग्राम पीतम्बरपुर दुल्लापुर कलम ब्लॉक शाहगढ़ में द ग्रोइंग बर्ड्स फाउंडेशन संस्था के कार्यकारिणी सदस्य पारसनाथ मिश्रा जी एवं मान सिंह व प्रमुख समाज सेवी संदीप सिंह द्वारा आयोजित ग्रामीण प्रतिभा के उन्मुखीकरण कार्यक्रम से लॉकडाउन के कारण ठप खेल गतिविधियों को फिर से शुरू होने की खिलाड़ियों तथा खेल प्रशिक्षकों को आस जगी है। यहां बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही जिले में स्टेडियम पर ताला लटक गया। उधर खेल गतिविधियां पूरी तरह से बंद होने के कारण खिलाड़ी घरों पर ही रहने को विवश हो गए। लॉकडाउन के दौरान कई प्रतियोगिताएं रद्द होने के कारण जिले की कई होनहार प्रतिभाओं को झटका भी लगा। इस दौरान घर पर रहकर खिलाड़ियों ने औपचारिक तैयारी जारी रखी, लेकिन उन्हें फिर से खेल गतिविधियां शुरू होने का इंतजार था। लॉकडाउन में खिलाड़ी परेशान रहे, खेलों की नियमित तैयारी सिर्फ व्यायाम तक रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख डी के श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि धर्मेश दोबी डी सी व प्रमुख समाज सेवी प्रदीप तिवारी जी द्वारा स्पोर्ट्स ग्राउंड की गतिविधियां शुरू करने हेतु स्पोर्ट्स ग्राउंड का शुभारंभ किया गया। खिलाड़ियों को अलग अलग शिफ्ट में खेलों की व्यवस्था की जाएगी। ग्रीष्मकालीन में खेल भी शुरू हो सकते हैं। इस मौके पर द ग्रोइंग बड्स फाउंडेशन संस्था के कार्यकारिणी सदस्य पारसनाथ मिश्रा जी एवं मानसिंह जी द्वारा सभी विशिष्टगण व खिलाड़ियों को मास्क वितरित किया गया। कार्यक्रम के विशिष्टगण में भोलानाथ मिश्रा एवं खिलाड़ियों के प्रशिक्षक प्रमोद मिश्रा व कार्यक्रम के सहयोगी अखिल सिंह, प्रशांत मिश्रा, हिमांशु सिंह, वीरेंद्र यादव और सचिन मिश्रा आदि मौजूद रहे। अमेठी से लक्ष्मीकांत मौर्य के साथ जिला संवाददाता समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। सर आपका नाम? दिनेश श्रीवास्तव, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि। प्रमुख जी, जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि इस मैदान को इसलिए तैयार किया गया है, जो हमारे गांव के ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, छोटे भाई हैं। इस मैदान का तैयार करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये लोग अपनी शारीरिक क्षमता का विकास करें, और शारीरिक क्षमता का जब इनके विकास होगा तो अच्छी फौज की नौकरियों में, सिपाही की नौकरियों में जाएंगे, उससे इनका भी विकास होगा, समाज का भी विकास होगा, और सबसे बड़ी चीज़ इनकी अपनी खुद की शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, जो कि इस समय महामारी COVID-19 कोरोना की चल रही है, उसमें ये जो वैज्ञानिकों द्वारा, जो हमारे डॉक्टरों द्वारा ये आ रहा है कि जिनकी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता कम है, ये बीमारी उन्हीं पर ज़्यादा प्रभाव डाल रही है। इसलिए इस मैदान को तैयार करने के पीछे कई सारे उद्देश्य हैं। इन बच्चों, इन छोटे भाइयों का शारीरिक क्षमता का भी विकास होगा, ये बीमारियों से भी दूर रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। जब ये कार्यक्रम, जब मैदान पूरी तरह यहाँ एक टीम बन जाएगी, तो यहाँ एक NGO है द ग्रोइंग फाउंडेशन के तहत जो है अगला कार्यक्रम जो है ग्रामीण महोत्सव के रूप में किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों में भी जागरूकता फैले। COVID-19 और तमाम ऐसी जानकारियाँ हैं जो ग्रामीणों में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए अगला कार्यक्रम इस फाउंडेशन के तहत इस ग्रामीण अंचल में करना है।